तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। एंड टुडे इज डेट के, आज डेट है 20 जुलाई। तो बहुत दिन से ये चीज़ हम कटाने की सोच रहे थे, एक हफ्ते से पूरा प्लान डिस्ट हो रहा था। तो आज मैं बिना उसको कॉल किए, मतलब मेरे जो सैलून वाले भाई है, बिना कॉल किए मैं सीधा उनके पास जा रहा हूँ। तो चलिए, अभी लेट किए बिना फटाफट चलिए, घर पे बन रहा है मेरा फेवरेट नाश्ता। तो गाइस, इतने दिनों के वेट के बाद आज लोग आ चुके हैं बाल कटाने के सैलून पे। और नसीब देखिए, जैसे ही हम पहुंचे सैलून खुल रहा था, अपने फैजान भाई सब कुछ सेटअप कर रहे हैं। और सबसे पहले हेयर कटिंग आज हमारी होने वाली है। इतने गंदे गंदे बाल जो ऊपर ऊपर से पूरे घूम रहे थे, यहाँ वहाँ गिर रहे थे, मेरे को आंख पे आ रहे थे सब बाल, वो सब रिमूव हो जाएंगे और ज्यादा हम छोटे नहीं करेंगे। आ जाओ फैजान भाई, आ जाओ। हम आगे अंदर, और इधर की लाइटिंग तो यार अभी लाइटिंग में आया नहीं हूँ मैं, अभी लाइटिंग के अंदर आया हूँ। फैजान भाई गुड मॉर्निंग, कहाँ गए कहाँ गए? गुड मॉर्निंग में, अरे मैं अभी आ रहा था तो ये लोग को बताया मैंने सुबह कि भाई इतने दिन से मैं उनको दो या तीन दिन से फोन कर रहा हूँ, आ ही नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला कि यार अब मैं आऊंगा। गाइस आ गए हम लोग बिग बॉस पे, अभी हम बाल कटाएंगे अपने, ट्रिम कराएंगे। कुछ देर में काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आएंगे, आज का ब्लॉग भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, मैं उसमें कंटिन्यू कर दूं वाला ब्लॉग। लेट्स सी, अभी हम बाल कटाते हैं। अपने बाल तो कट गए, देखो अपने छोटे कराया नहीं अपने, खाली है ना ऊपर से ट्रिम कराए थोड़े थोड़े, और साइड से भी उसको शेप दिया है बस। और दाढ़ी भी जो ऐसे बाकी चुकी निकल रही थी उसको भी शेप करा दिया है। और यहाँ पे एक नया मेहमान आ चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको। ब्लॉग में कभी आया तो नहीं है ऐसे, कभी आया मेरे ब्लॉग में? आया ना, लेटरी आया हमारे ब्लॉग में। तो हम लोग ने मेहनत तो भाई अभी खाली बाल थोड़ा सेट कराया और दाढ़ी सेट कराया, भाई अपनी दाढ़ी सेट करा रहा है, सेट करा ले फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। बस घर गए, खाना वाना खा खाए, उसके बाद अभी निकल गए हम लोग इधर, मैं और सिस्टर आई हुई है जूडियो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बताइए इसलिए वीडियो चालू किया है कि आजकल ऐसे आपको शॉपिंग करना है ना भरूच के अंदर, मेरे हिसाब से 85-90% लोग बोलेंगे जूडियो। जिन लोगों को नहीं पसंद है वो लोग के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो लोग को मतलब ऐसे मतलब कपड़े तो अच्छे खासे मिल जाते हैं यार, प्राइस इनका ठीक ठाक ही रहता है और कपड़े मस्त मिल जाते हैं इधर, मेरे को तो सही लगता है। बाकी आप लोग की पसंद, आप लोग की मर्जी, आना तो आ सकते हो एक बार, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स देख सकते हो आके इधर। सही, मेरे काफ़ी दोस्त भी आ चुके, मैं बीच में बहुत दो तीन बार आया था बट कभी वीडियो शूट मन ही नहीं हुआ कभी शूट करने का, बट आज मन हुआ और बताने का भी मन हुआ। एक्चुअली मैंने शूट किया था एक बार, लेकिन कुछ रीज़न से उस वीडियो को मैंने अपलोड ही नहीं किया उसके बाद से। तो यही है, मैं पता नहीं बहुत धीरे धीरे थक जा रहा हूँ यार, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना जिम चालू करूँ यार। मतलब मैं थोड़ी सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, चलता वलता हूँ और गर्मी थोड़ी लगती है, फिर मैं थकने लगता हूँ धीरे धीरे और अपनी अपना शेमे डाउन होने लगता है वापस। ये इसलिए क्योंकि मैं मेरी बॉडी में फैट बहुत इकट्ठा हो गया, या फिर इसलिए कि भाई मैं मेरा मतलब कुछ मेरा फिजिकल वर्क ही नहीं होता, मैं घर बैठा पूरा दिन एडिटिंग करता हूँ या तो फिर कुछ और स्टफ रहता है, ऐसा सब फिजिकल वर्क रहता है वीडियो शूट करते टाइम, लेकिन वो भी इतना नहीं रहता है जितना होना चाहिए एक ह्यूमन बॉडी, मतलब मेरी एज या मेरी जो बॉडी टाइप उसके लिए रिक्वायर्ड है। चलिए अभी शॉपिंग करता हूँ, कुछ लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, और हम एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत आज शॉपिंग कर ही लेंगे, बाकी फिर मैं और प्रिंस तो आएंगे। लेट्स सी, अपने को ये वाली टी शर्ट पसंद आ गई है, मतलब यहाँ पर दिखाता हूँ ये वाली, ये पूरी ब्लैक और नीचे इतना वाइट। मेरे को बहुत टाइम से ऐसी टी शर्ट चाहिए थी, लटक जा रहे, मेरे को बहुत टाइम से टी शर्ट चाहिए थी, तो आज ये हम लेके जा सकते हैं, बहुत चांसेस इसके घर जाने के आज हमारे साथ। एवरीवन, इस टाइम कुछ नया ट्राई किया है, तो इस टाइम ये थीम कलर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा ब्लैक टी शर्ट पहनती हूँ क्योंकि मैं ब्लैक कलर मेरे को ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए और अभी भी ब्लैक ही पहना है मैंने, और मेरे पास नहीं मानोगे तब से 8 से 10 से ज़्यादा टी शर्ट ब्लैक है। तो इसलिए दीदी ने इस टाइम बोला कि भाई कलरफुल कपड़े पहन थोड़े, मतलब थोड़ा अलग लगे वीडियोज़ में, क्योंकि मैं हर वीडियो में मतलब जब शूट करता हूँ तो मैं 99% टी शर्ट ब्लैक ही होती है, तो लोगों को लगता है भाई एक ही कपड़े पहनता है, तो नहीं है भाई, मेरे पास बहुत सारे ब्लैक टी शर्ट है। मानूंगा ऐसे सेम टू सेम एक मतलब प्लेन ब्लैक टी शर्ट एक और घर में पड़ी है, फिर कुछ कुछ प्रिंटेड और कुछ कुछ तो सेम प्रिंट्स भी है, मैं ले लेता हूँ मेरे को, क्योंकि उसके अलावा कलर नहीं आता लगता और वाइट आता था, पर वाइट गंदा बहुत जल्दी होता है इसलिए मैं वाइट नहीं लेता, इसको डार्क करता हूँ, डार्क ब्लू लेता हूँ, वो भी वीडियो में अराउंड ब्लैक ही लग जाती है एक तरह से। अभी टी शर्ट्स ले ली है, अभी बिल बनाते हैं और चलते हैं आगे, और भी बहुत कुछ शॉपिंग करना है आज। तो भाई भाई का भी फ़ोन आ गया वीडियो के लिए और आज बहुत ज़्यादा मैं थकने वाला हूँ यार इधर। तो गाइस अपनी शॉपिंग हो गई, इतना लंबा चौड़ा बिल हमको थमा दिया है, चलते चल चल दीदी।
हाँ बाहर गर्मी तो देखिए यार, आज मौसम तो देखिए क्या खतरनाक हो जा रहा है। मतलब धूप नहीं है बट मौसम तो काफी बढ़िया है। अच्छा ऐसा मौसम रहना चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए यार। धूप आती है ना फिर सर दुखने चालू हो जाता है मेरा तो। चलिए यार बहुत सारे काम बाकी है, हम चलते हैं आगे। आज के दिन यही सब होने वाला है अपना। इतने दिन से घर से निकल नहीं रहे थे, खाली काम से काम निकल रहे थे, और आज पूरा दिन समझ लो घर से बाहर ही जाने वाला है हमारा। अभी घर जाके फिर मम्मी को भी लेके जाना है कहीं। धूप की एक्सेस होने का फायदा आपको मिलता है बहुत सारा बूट से, इसके अंदर आप आराम से रख सकते हो। इतना सारा काफ़ी बड़ा रहता है, इसको फोल्ड कर रख दो, ऊपर और सामान आ सकता है। अरे बंद उसकी एक्सेस लीजिए और ऐसा फायदे आप उठाइए। गाइस वीडियो पूरा शूट हो गया और अभी हम लोग नाश्ता करने आए, क्योंकि दोपहर का मील मेरा स्किप हो गया इस वीडियो के चक्कर में और शॉपिंग के चक्कर में। और मैंने दीदी का गौरव भाई को भेज दिया तो मैं फ्री हो गया। उसके बाद अभी आज ही कटा गया है, बाल पूरे गीले हो गए पर सही है। ये भी आप लोगों को थोड़ा खराब दिख रहा होगा लेकिन जब बाल थोड़े बड़े हो जाएंगे ना यहाँ साइड से तो अपना फ्लैट हो जाएगा अच्छा खासा। तो अभी हम लोग आए इधर, समोसा खाएंगे फिर पापड़ा अभी मंगवा लिया है। तो दोपहर का मील हमारा स्किप हो गया इसलिए मैं अभी स्नैक्स और लंच साथ में कर रहा हूँ। स्नैक्स ना ब्रेकफास्ट और लंच को ब्रंच बोलते हैं। लंच और क्या बोलते हैं, स्नैक्स को क्या बोलेंगे, लंच और स्नैक्स को लैक्स लैक्स कुछ तो कमेंट डाउन बिलो क्या बोलेंगे उसको। तो चलिए अभी नाश्ता आ जाए फिर हम खाते हैं। अभी मैं आया हूँ कहाँ पर वो दिखा दूँ आपको।